जो मुलजिम है उसको वर्गला के वीराने में अपने मकान पे ले गया जहां उसने बदफली का निशाना बनाया। तेने कहा तू समान चक, मैं भी अंदर कहने अंदर कुंडी ला ली, तेने मारा कुटा, मैं चाचू मैं जा लें, तो मैं हाथ भी जोड़े दगे तो मार दी, तो तुम जबरदस्ती की मैंने चिक्का मारदा सी, तेने मुँह दे हाथ रखिया जगत निशान, काफ़ी मारिया इनू नाले देना, बहुत मसलन के जबरदस्ती की उन्हें अंदर वड़ के कुंडा ला लिया, मूँह कुट लिया, मूँह कुट के ये बदफेली की है, तो बार बूह ला के भज गए। पता नहीं अगे उन्हें किन्नक बच्चों ने इस तरह किया है, मैं तो इसलिए कदम चुकया कि मेरे बच्चे ने जिस तरह होया इस तरह किसी होर बच्चे ने ना हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूँ कैसर खान। नाजरीन, कम उम्र बच्चे और बच्चियों के साथ बढ़ती हुई ज्यादती के वाकयात लम्हा फिक्रिया बनते जा रहे हैं और वालदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की निगरानी करें। बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता है कि मासूम बच्चों को भरगड़ा कर ले जाया जाता है और फिर उनके साथ ज्यादती की जाती है और यहाँ तक के बाज़ुकात उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया आरफ वाला इलाके में जहाँ पर एक 10 से 12 साल मासूम बच्चे को जो मेहनत मजदूरी करता था उसको भरगड़ाया गया, उसके साथ ज्यादती की गई, लेकिन वो बच्चा इस हवाले से खुशकिस्मत निकला कि उसकी माँ जो है ढूंढते ढूंढते उस बच्चे के उस ठिकाने तक पहुँच गई जहाँ पर वो शख्स उसको लेकर गया था और बच्चे की जान बच गई। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और उस जालिम शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जालिम दरिंदे का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये आरिफ वाला में हमारे नुमाइंदा शहजाद, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी शहजाद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो रूनमा हुआ है कि 10 से 12 साल बच्चे को जो मजदूर जिसका बाप नहीं है, मेहनत मजदूरी करता था, उसको बदफली का निशाना बनाया गया है और जो मुलजिम है उसको वर्गला के वीराने में अपने मकान पे ले गया जहां उसने बदफली का निशाना बनाया। पुलिस ने बार वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मेरी भी आला हुकाम से इल्तजा है कि जो ये यतीम बच्चा है इसको इंसाफ दिलवाया जाए। बिल्कुल जी, एक मासूम बच्चा है, इलाके में एक बड़ा ये एक दर्दनाक वाकया पेश आया और सब जो आरफ वाले के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस बच्चे को इंसाफ मिले। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, बंदा गिरफ्तार है और आज के प्रोग्राम में हम इसी जालिम का जुल्म बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मासूम बच्चा और उसकी वालदा। इस मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी की है एक शख्स ने, हम इनका चेहरा और इनका नाम जाहिर नहीं करेंगे लेकिन कि ऑब्वियसली क्योंकि मेरा प्रोग्राम है इसमें हम चाहते हैं कि अपने तमाम नाज़रीन को हम अवेयर कर सकें कि ऐसे जालिमों से ऐसे दरिंदों से बचने की कोशिश करें ताकि कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। बच्चे की वालदा से बात करते हैं, ये बताइए कि हमें पता चला आपके बच्चे की उम्र 10 साल है? नहीं 12 साल है। 12 साल जी, 12 साल। तो ये पढ़ता बच्चा? नहीं पढ़ता नहीं है, मंडी काम कर देगा। काम करता जी। ते वाले साहब दे हयात नहीं, नहीं वाल हां वाले साहब फोत होए ने जी। हां जी 6 साल हो गए ने। ते एक की मसला है तुम्हारे बच्चे नाल? इना मंडी जांदा 4 साल हो गए ने, वैसे तो मंडी जांदा है, काम करदा, मसलन दाने वगैरह इकट्ठे करदा है, सिलाई वगैरह गट्टू करदा वा। ते ना काम नहीं सी ओदा लग्गिया, इतवार दा दिन सी जिहड़ा पिछला इतवार गया, इतवार दा दिन सी ते वापस आ रहा सी, पिछों किसी बंदे ने नवाह दित्ती भी तेरा काम नहीं लग्गिया, इन्हें क्या नहीं लग्गिया, ते कहिंदा चल आ उत्थे ना बक मेहर वाली चौक वाली साइड ते ना आपां ढेरी भरनी आ, तेरे पैसे सही बन जाएंगे, दिहाड़ी बन जाएगी, तू घर लै जाई। ये चला गया बच्चा सी, नहीं समझ आई कोई गल, इहनूं लै गया उत्थे, उन्हां दा घर सी 2 नंबर पट्ठे ते, उत्थे अपने घर लै गया, इहनूं कहिंदा कोई समान चुकना हैगा आपां घरों, ते इहनूं कहा जे अंदर समान लिया चुके, अंदर समान चुकन गया ते उन्हें अंदरों कुंडी ला ली। इन्हें कहा, इन्हें हाथ भी जोड़े अगर कि चाची मैंने छड़ दो, मैं तो काम करने वास्ते आया वा, भी मैंने जान दे, रोया वा, जो रोया इन्हें मुँह हाथ मुँह उत्ते हाथ रख के उन्होंने मारिया काफ़ी ज़्यादा, ये तो निशान से इस जगह तो काफ़ी ज़्यादा जिसम से निशान मारदा भी रहा, चिक्का मारदा सी ना, तो रोला नहीं सी पा दिता क्योंकि मुहल्ले दे विच घर सीगा, चिक्का मारदा सी, तेने मुँह उत्ते हाथ रखे इस जगह तो निशान, काफ़ी मारिया इन्हू नाले, ये बहुत मसलन के जबरदस्ती की उन्हें उस बंदे ने। हाँ जी, ते उस तो बाद फिर उस तो बाद मजीद है कि मैनू जिस तरह थोड़ा बहुत किसी ने आके दसा इस तरह थोड़ा बच्चा किसी नाल गया मसलन, ते मैनू परेशानी होगी भी आज तक 4 साल हो गए किसी ने बाहर जाके ने काम नहीं किया, बीवी मंडी तो अलावा किसी पास काम करने नहीं गया, तो मैं लभदी मैं सी जिथे दुकान से जाता सीगा, वो 2 बंदे सी मेरे नाल, असी लभदे उन्होंने घर असी पहुँच गए, जो असी पहुंचे तो वह बंदा भज गया, इस असी बच्चे नू लिया, बच्चे नू लैके तो असी थाने चले गए। अच्छा ये, हाँ पर ये बच्चे की किस्मत अच्छी है जी और उसकी माँ ने बड़ी
हिम्मत की है कि जब बच्चा देर बच्चे को होगी तो फिर इसे पीछा करते करते उसके घर चले गई। खुदा ना खास्ता ऐसे लोग तो बाज़ अवक़ात बच्चों को जान से भी मार देते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। यकीन माने ऐसे दरिंदों के बारे में सोच के जिस जालिम ने इस बच्चे पर, एक तो यतीम बच्चा, ऊपर से ये मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और अपना जो बहनें हैं इसके या भाई हैं इसके, वो उनका पेट पाल रहा था और घर का सिस्टम चला रहा था, और ऐसे जालिम जो नज़र रखते हैं मासूम बच्चों पर, बच्चियों पर, और उसने इसको वरगलाया, इसको अपने साथ ले गया और इसको बड़ी उसके साथ बदफेली भी की, उसको मारता भी रहा, और ख़ुदा ना खासा अगर माँ टाइम पर ना वहाँ पहुँचती और साथ कोई और लोग ना होते तो इस बच्चे की जान को भी खतरा था। एक 10 साल यतीम बच्चे के साथ एक 34 से 35 साल दरिंदे ने बड़ा जुल्म किया जी, उसको बदफेली का शिकार बनाया और उसके बाद फिर उसकी बच्चे को यकीनन जान को भी खतरा था, लेकिन ये है कि बच्चे की जान बच गई, उसको कत्ल करने में वो कामयाब ना हो सका। उसके बाद पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है जी, आरफ वाला थाना सिटी की पुलिस और यहाँ के जो SHO मोहम्मद अशर साहब, उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बात करते हैं इनसे इस सारे केस के हवाले से। जी अशर साहब बताइएगा, ये कब का वाकया है और कौन दरिंदा है ये? जी अस्सलाम वालेकुम, ये 24 मार्च को दिन को हमें केस रिपोर्ट हुआ, एक बच्चा है, उसकी एज होगी कोई 10-12 साल के करीब, और यतीम बच्चा, उसके वालिद की डेथ हो गई थी और वो इधर गला मंडी में एक मेहनत मजदूरी करता था। ये केस रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पे एक दरिंदा है जो 34-35 साल उसकी एज है, पहले उनको नाम का नहीं पता था और वो भी इधर मजदूरी करता है, इधर पल्लेदारी करता है मंडी में ही, वो उसको ले गया अपने रेंट पर, उसने मकान लिया हुआ था ये भट्टा नंबर 2, वहाँ ले गया, उसके साथ उसने बदफेली की, फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया, एफर्ट की और क्विक रिस्पॉन्स दिया हमने, फौरी FIR दे दी और ये भाग गया था यहाँ से। फिर हमने इसको IT की टेक्निक से और हमारे जो हमारी एक एफिशिएंट टीम थी, हमने शॉर्ट टाइम पे हमने उसको अरेस्ट किया। जो मुलजिम है उसको वरगला के वीराने में अपने मकान पे ले गया जहाँ उसने बदफेली का निशाना बनाया। तेने कहा तू समान चक, मैं भी अंदर कहने अंदर कुंडी ला रही, तेने मारा कुटा, मैं चाचू मैंने जा लें, तो मैं हाथ भी जोड़े दगे तो मार दे रही, तो तुम जबरदस्ती कित मैंने चिक्का मारदा सी, तेने मुँह दे हाथ रखिया जगत निशान, काफ़ी मारिया इनू नाले ये बहुत मसलन के जबरदस्ती की उन्हें, अंदर वाड़ के कुंडा ला लिया, मूँह घुट लिया, मूँह घुट के ये बदफेली की थी है, तो बार बुआ ला के भज गया। पता नहीं अगे उन्हें किन्ने क बच्चों ने इस तरह किया है, मैं तो इसलिए कदम चुकया कि मेरे बच्चे ने जिस तरह होया इस तरह किसी होर बच्चे ने ना हो। बेटा ये कब कहाँ मिला ये शख्स आपको, पहले भी कभी आपके साथ होता है ये? नहीं कभी नहीं। नहीं तो कितने बजे आप कहाँ पे जॉब कर, कहाँ पे जाके मेहनत मजदूरी करते बच्चे? मंडी। मंडी में पंजाबी च गल कर लेने, कितने जाने मंडी जाते हैं? मंडी ते एक किथे लभया इस बंदा तानू? मंडी च। मंडी च लभया सी? कार आ रहे सो तुसी? हां जी। ते की कह रहे तानू? इने मैंने आके मंडी तेन काम लभया, मैं कह नहीं, ते इने आके एक ढेडी जी ते ओ भराला ते तेरी ढेडी जी बन जाएगी, ते मैं चला गया ते कार एक लै गया, इन्हें क्या उत्ते आपां समान वगैरह चकना ते कार लग्या, ते इन्हें क्या तू समान चक, ते मैं अंदरों, ते मैं भी समान चक, ते मैं भी अंदर कहने अंदरों कुंडी ला ली, तेने मारा कुटा, मैं चाचू मैंने जा लें, ते मैं हाथ भी जोड़े दगे ते मार दे रही, तो तुम जबरदस्ती की मैंने। की ना आया था इस तो पहला कभी इस शख्स ने नहीं तो फिर क्या सी? नहीं रस्ते चले पाया था ना? हाँ जी। तो अब तुम बहाना ला के तो ना ले गया? हाँ जी। अच्छा तो ये फिर कितनी देर बाद फड़िया गया जी बंदा? ये 1:30 बजे दा रुकवा हैगा वा, तो 12 बजे मसलन के असीं निकले इत्थे लब्भण वास्ते इहनूं, तो सानूं मिलिया है 1:15 बजे दे करीब, सानूं जान के मिलिया हैगा, इतवार दा दिन सीगा ते 12:30 दा 1:15 दा टाइम सी। ते कोई अपने इस घर में दे घर और पता कोई नहीं सी बच्चे? नहीं नहीं कोई भी नहीं।
कोई भी नहीं है सी इन्हें घर का मजीद सानू नहीं पता कितने रहा कितने नहीं रहा कितों का है कितों सानू किसी गल का नहीं पता है क्योंकि बच्चा काम करता मजीद मैं तो कभी बाहर नहीं गई ना मंडी में कभी गई हूँ मैं तो समझो कि बाहर कभी भी नहीं निकली ज़्यादातर लेकिन यह मसला बनया तो मैं बाहर निकलना पाया क्योंकि बच्चे का मामला है तो लेकिन एक मैं तो अल्लाह ताला को दुआ कर दी कि मेरे बच्चे ने अल्लाह ताला ने नवी जिंदगी दी है गलती की थी, मेरे बच्चे ने बहुत गलत किया कि मेरा कोई वसैल नहीं है किसी किस्म का भी कि इन्हें लैके आना तो असं घर खाना वा अगर ये नहीं लैके आता तो साढ़े घर कुछ पकता नहीं अगर एक टाइम का लैके आता तो दूसरे टाइम का असं दुआ कर दे कि अल्लाह ताला तू ही कर्म करेगा। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं उस मासूम 10-12 साल बच्चे के नाना जिस बच्चे जो मेहनत मजदूरी कर रहा था जी बच्चे का वालिद जिंदा नहीं था दुनिया में बच्चे का वालिद वफात पा चुका था और वो अपनी वालदा और अपने छोटे भाइयों का पेट पाल रहा था लेकिन उस बच्चे को मजदूरी करते हुए जब वो जा रहा था तो एक शख्स ने वरगलाया उसको अपने घर ले जाकर उसके साथ जुल्म किया ज़्यादती की और किस्मत अच्छी थी उस बच्चे की उसकी जान बच गई क्योंकि उसकी माँ उसके पीछे आ गई वहाँ पर लेकिन है कि उस बच्चे के साथ ज़्यादती वो शख्स कर चुका हुआ था। बात करते हैं उसके नाना से। गरीब लोग हैं ये एक छोटे से घर में ये लोग किराए के घर में हैं और आगे ही मुसीबत के मारे हुए हैं और ऊपर से ऐसे दरिंदे जो जुल्म करते हैं ऐसे मजलूमों पर उनकी ज़िंदगी और गरीबों की बेचारों की और ख़राब हो जाती है। सानू बड़ा अफसोस है जी थोड़े नवासे नाल ऐडा जुल्म होया है ते ए कौन है बंदा को पता लगा वे करैशी नाम का बंदा जी। अच्छा हाँ जी ते पहले जानता सी तुहाडे बच्चे नू? नहीं जी मैं तो खुद नहीं जानता जी उन्होंने। अच्छा हाँ जी मैं आप दिहाड़ी मजदूरी करना मिस्त्रियों ना। अच्छा हाँ जी ते कदू तुहानू पता किस टाइम लगा है कि बच्चे नाल एड्डा जुल्म हो गया? बच्ची मेरी आई है ते सिटी थाने गई है ते फिर उत्थे मैनू इन्हां ने फोन कराया कि अबू जी आह गल बन गई फिर असीं राव साहब नू लैके गए फिर इन्हां ने आपस में जो गलबात सी इन्हां ने करवाई ते अपना किस तरह ने वरगला के लै गया पता लगा वे बंदा? इन्होंने ये गल की सी कहिंदा सी जी उत्थे मक्की दा ढेर वा तोलना हैगा ते तुसी मेरे नाल चलो ते तुहाडी दिहाड़ी अच्छी बन जाएगी ते उत्थे पट्ठे नंबर 2 ते लिजा के इहनू अंदर कहिंदा इत्थों बारदाना चुको बारदाना चुकन लगे अंदर वड़ के इहनू कुंडा ला लिया इहदा मूँह घुट लिया मूँह घुट के ते इहदे नाल बदफेली की है ते इहनू मारिया कुटिया ते बाहर बूहा ला के भज गया मारदा रहे बच्चे नू। हाँ जी बारह 13 साल बच्चे के साथ जिंदगी का वाकया रिपोर्ट हुआ है। अब ये छोटा बच्चा जिसके वालिद वफात पा चुके हुए हैं वो अपनी बेवा वालदा के लिए और छोटे बहन भाइयों के लिए और जिसमें से एक छोटा भाई उसका बीमार है इलाज मुआवजे के लिए मेहनत मजदूरी करता है लोगों के घरों में काम करता है हार्ड वर्क करता है लेबर करता है। अब एज पर कंटेंट्स ऑफ द इंसिडेंट जो रिपोर्ट हुआ है उसमें भी ये बच्चा मुतलका डेट को जब घर से निकला काम के लिए तो उसे एक शख्स अपने साथ काम के घर से ले गया कि उसने घर में उसे काम करवाना है और जब घर ले जाकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और तशद्दुद के निशाने के चलते उसे ज्यादती के लिए मजबूर करता रहा जब वो ना माना तो उसे और सख्त तशद्दुद का निशाना बनाकर उसे ज्यादती का शिकार कर दिया। ये जुर्म किसी सूरत में काबिले माफ़ी नहीं है इसे एज़ पर इस्लामिक इंजेंशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना जो हमारा इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत और जो हमारा ताज़ीरी कानून हमारे मुल्क में चल रहा है दोनों में सख्त सज़ा है। ऐसे वाक़े जो हमारे माशरे में रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं इसमें एक दरिंदगी हवानियत की एक मिसाल है कि जब इंसान के सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाए और वह दरिंदगी में इस हद तक चले जाए उसमें और हैवान में कोई फ़र्क ना रहे। और इस वाले वाक़े में भी एक छोटे बच्चे के साथ जो एक इंतहाई मजलूमियत का तस्वीर है कि वो अपनी इस उम्र में जब उसके खेलने कूदने का टाइम है तलीम हासिल करने का टाइम है तो वो अपनी फैमिली के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है और बजाय इसमें उसके दस्ते शक्कर रखने के लिए उस शख्स ने उसे ही दरिंदगी का शिकार कर दिया। तो ये एक माशरे की अलमिया की अकासी है इसमें तमाम अरबाब इख्तियार को गौर व फिक्र करना होगा और आईने पाकिस्तान के तहत जो लाजमी तलीम का अंसर है छोटे बच्चों के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर अदारे को अपना रोल अदा करना होगा।
जो मुलजिम है उसको वर्गला के वीराने में अपने मकान पे ले गया जहां उसने बदफली का निशाना बनाया। तेने कहा तू समान चक मैं भी अंदर कहने अंदर कुंडी ला ली तेने मारा कुटा मैं चाचू मैंने जा लें तो मैं हाथ भी जोड़े दगे तो मार दी तो तुम जबरदस्ती की मैंने चिक्का मारदा सी तेने मूँह दे हाथ रखे जगत निशान काफ़ी मारिया इनू नाले ये बहुत मसलन के जबरदस्ती की उन्हें अंदर वड़ के कुंडा ला लिया मूँह कुट लिया मूँह कुट के तो ये बदफेली की है तो बार बूहा ला के भज गया। पता नहीं अगे उन्हें किन्या बच्चों ने इस तरह किया है मैं तो इसलिए कदम चुकया कि मेरे बच्चे ने जिस तरह होया इस तरह किसी होर बच्चे ने ना हो। कैसे लेके गया उसको क्या कह के लेके गया उसको क्योंकि वो भी मजदूर था और ये भी मजदूर था उसकी उस दिन ना कोई दिहाड़ी कॉल उसके कि दिहाड़ी नहीं लगी थी तो उसे कहता कि आओ मेरे पास एक काम है तो मिलकर करते हैं एक डेयरी है उसको हमने पैकिंग करनी है तो उसको बरगला के ले गया आगे जो उसका एक अपना मकान था उसने रेंट पे लिया हुआ जब अंदर ले गया अरे बच्चा था 10-12 साल का उसकी एज थी 34-35 साल उसने उसके साथ ज़बरदस्ती बदफेली की। ये तो लकीली क्योंकि इस तरह के जो होते हैं दरिंदे वो मार भी सकते हैं वो बच्चे को बहरहाल उसके शायद माइंड में ना आया या इस तरह के अल्लाह ने उसकी जान बचानी थी तो ये स्टेप ना ले सका। जब हमारे पास आया तो फिर हमने उसको इंशाल्लाह प्रॉपर उसको FIR दी उसको सारे लवाजमत हमने पूरे किए फिर इसको ट्रेस आउट किया और इसको पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो सारा इंसिडेंट माना है और मेडिकली भी वो प्रूव है कि उसने वाकई ही उसके साथ बदफेली की है। उससे पहले तो कभी किसी और के साथ ऐसा मामला तो नहीं करता रहा ये भी तफ्तीश कर रहे हैं इस पे इस पहले पे भी? नहीं नहीं उसके पहले उसका कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ ये खुद भी थोड़ा सा एडिक्ट लगता है वो नारकोटिक्स का ऑलरेडी शादीशुदा भी है लेकिन उसके हुलिये से और इस तरह का जो गेटअप है उससे तो बाहर यही था कि ये एडिक्ट है और ये उसने एक दरिंदगी की और बच्चे के साथ ज्यादती की और इंशाल्लाह इसका वो अंजाम तक पहुँचेगा। बिल्कुल जी कानून के मुताबिक ऐसे जालमों को ऐसे दरिंदों को इबरत का निशान बनाना चाहिए और मेरी गुजारिश है तमाम वालदैन से खुदा रा अपने मासूम बच्चों को अपनी निगरानी में रखें किसी पर एतबार मत करें आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें कभी किसी पर भी एतबार मत करें और बच्चे अगर आपके बाहर जा रहे हैं खेल रहे हैं अबल तो उनको अकेले जाने दें अगर कुछ जा भी रहा है तो उसके साथ कोई बड़ा ज़रूर हो ताकि इस तरह का मामला कुछ ना हो कोई कोई किसी बच्चे को इतना नुकसान ना पहुंचा सके जैसा इस तरह के जालिम लोग जुल्म करते हैं। बच्चे की किस्मत अच्छी थी उसकी जान बच गई और अब मजीद मामला जो है कि वो शख्स गिरफ्तार है एविडेंस है मौजूदा पुलिस के पास और इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश रहेगी और जैसा कि SHO साहब ने बता दिया कि उस शख्स को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाएगा। दो साल हो गए सारे जिस्म ते जख्म हैगे ने दवाई चलदी हैगी दवाई ओदी बंद हो जाए तो जख्म दोबारा स्टार्ट हो जांदे ने बहुत वड्डे सारे सिर तो लादा पैरां तक ओदे जख्म हैगे ने बच्चे दे। अब ये देखिए नाज़रीन ऐसे ज़ालिम ऐसे दरिंदे सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। ऑलरेडी ये खानदान ये हमारी जो बहन है ये बच्चा है बहुत सारी टेंशन में है बहुत गुर्बत की निचली सतह पे भी ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये बड़ा बच्चा है 10-12 साल इसकी उम्र है और यही मेहनत करके अपनी माँ और अपने छोटे भाइयों का पेट पाल रहा था और ऐसे बच्चे पर जुल्म किया उसको उसके साथ ज़्यादती की खुदा ना खासा माँ अगर वक्त पर ना पहुँची उसको भी वो मार सकता था। हमारी गुजारिश है आला हुकाम से आला अफसरान से खुदा रा ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि कोई किसी के बच्चे या बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। यानी कि आगे ही बेचारे वो गरीब है अभी हम शक्ल तो नहीं दिखाएंगे लेकिन मैं तो इस मासूम बच्चे को देख रहा हूँ कि क्या किस हालत में है बेचारा ये किस ट्रामा से गुजर रहा है और ऐसे जो जालिम है वो बड़े आराम से किसी भी बच्चे को वरगलाते हैं और उसको फिर ज्याती करके कत्ल भी बाज़गत कर देते हैं। लेकिन शुक्र है माँ ने इस हमारी जो उस बच्चे की माँ और हमारी जो बहन है इसने हिम्मत की है और इस पर अपने एक बच्चे का पीछा करके उसको जिंदा सलामत वहाँ से जो है वो बाजियाब करवा लिया। बहरहाल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है और आरिफ वाला थाना की पुलिस सिटी की पुलिस ने बंदा गिरफ्तार है एविडेंस स्ट्रॉन्ग है और हमारी यही गुजारिश है हमें SHO साहब बता रहे थे कि रिपोर्ट्स में भी ये साबित हुआ है कि उस शख्स ने इस बच्चे के साथ जुल्म किया है तो ऐसे जालिम को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए ये गुजारिश है हमारी। पुलिस ने तो अपना काम किया लेकिन आगे जो कानूनी पेचीदगियाँ बाज़ात आ जाती हैं लोग ऐसे छूट जाते हैं
और फिर किसी और बच्चे की ज़िंदगी जो है वो खतरे में पड़ सकती है, तो ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। जी जहाँ तक इस वाक्य में कानूनी नकाब का तल्लक है, तो ये पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरत पाकिस्तान के सेक्शन 377 में एलेबोरेट किया गया है कि ऐसा कोई भी शख्स जो ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस करेगा, ज्यादती करेगा, तो उसकी कानून में सजाए मौत है। और अगर किसी सूरत एविडेंस में कोई कमी रह जाती है तो फिर सजाए मौत नहीं हो सकती, तो फिर तो उम्र कैद की सज़ा है। किसी सूरत में भी इसे जराइम में कम सज़ा नहीं दी जाएगी। अब ये 12-13 साल छोटे उम्र का बच्चा जो इस उम्र में अपनी फैमिली का वाहिद कफील है, उसके वालिद वफात पा चुके हुए हैं और वो अपनी बेवा वालदा और छोटे बहन भाइयों के लिए मेहनत मजदूरी करता है, और उसे ही इस तरह जुल्म का शिकार कर दिया जाए, तो ये एक बहुत ही माशरे की बर्बरियत की अकासी है। इसको जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और इसके साथ साथ दूसरे अदारों को भी देखना होगा, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो है और इसके साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, कि आप कितनी उम्र के हद तक बच्चों से काम ले सकते हैं। तो उस कानून के तहत 15 साल से छोटे उम्र से बच्चे से काम नहीं लिया जा सकता, और 15 से 18 साल के दरमियान जो माइनर की डेफिनेशन है, जो इंटरनेशनल चार्टर है चाइल्ड राइट्स के ऊपर, 18 साल से छोटे लड़का और लड़की को माइनर नाबालिग गर्दाना जाएगा और उनके साथ रियासत स्पेशल प्रिविलेज के तौर के ऊपर काम करेगी और उनके लिए ऐसे इकदाम करेगी जिससे उनकी तलीम, हेल्थ और नशोनुमा में बेहतरी लाई जा सके। तो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25A में भी 18th अमेंडमेंट के तहत तरमीम लाई गई है कि 16 साल से छोटे बच्चों को लाजमी तलीम देना रियासत की जिम्मेदारी है, फ्री एजुकेशन देना। जो मुलजिम है उसको वर्गला के वीराने में अपने मकान पे ले गया जहाँ उसने बदफिली का निशाना बनाया। तेने कहा तू समान चाक, मैं भी अंदर कहने अंदर कुंडी ला ली, तेने मारा कुटा, मैं चाचा मैंने जा लें, तो मैं हाथ भी जोड़े दगे तो मार दी, तो तुम जबरदस्ती कितनी मैंने चिक्का मारदा सी, तेने मुँह दे हाथ रखा जो गत निशान काफ़ी मारिया इनू, नाले ये बहुत मसलन के जबरदस्ती की उन्हें अंदर वड़ के कुंडा ला लिया, मूँह कुट लिया, मूँह कुट के ये बदफेली की है, तो बार बूह ला के भज गया। पता नहीं अगे उन्हें किन्ने बच्चों ने इस तरह किया है, मैं तो इसलिए कदम चुकया कि मेरे बच्चे ने जिस तरह होया इस तरह किसी होर बच्चे ने ना हो। बच्चे के वालिद ने फोत हो कि अर्सा हो गया? वो हो गया जी 6 साल। तो वह वालिद की करता से पहला जो ब्याह से भी? बस जी वो नशे ही होगा जी, तो सौदा सूदा बेचता सगा, तो बस घर का आसरा जरा सारा कुछ यही बच्चा ही, यही बच्चा ही है जी, बस और कोई वसायल नहीं है। मकान भी किराए से लिया होया इन्होंने जी, तो वालदा जी कोई मदद आंढ गुआढ़ कर दिता या कोई माड़ा मोटा सीन सिलाई का माड़ा मोटा कर लेंदी है, बस ए गुजारा है जी। बहुत औखी जिंदगी गुजर रही है, बहुत औखी जिंदगी गुजर रही है, और इस औखी जिंदगी गुजर और मुश्किल जिंदगी को मुश्किल कर देते हैं ऐसे जालिम, जिस जालिम ने इस बच्चे के साथ जुल्म किया। अब वो बच्चा घर से, हमारी वो बहन बता रही थी कि बाहर जाने से डरता है, मासूम 10-12 साल उसकी उम्र है। तो ऐसे बच्चे जिसके खेलने कूदने के पढ़ने के दिन थे, जो मजदूरी करके अपनी माँ और अपने छोटे भाइयों का पेट पाल रहा था, उसको भी एक ट्रॉमा में मुब्तला कर दिया ऐसे जालिम ने। तो ऐसे जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कभी कोई किसी बच्चे या बच्ची के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। जी जहाँ तक ऐसे वाक़ियात का साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए, माशरती पहलू से देखा जाए, तो ऐसे वाक़ियात की जो ज़्यादा रेशो बढ़ रही है हमारे माशरे में, उसमें एक अखलाकी गिरावट की तरफ जाता हुआ हमारा माशरा नज़र आ रहा है। अगर हम पुलिस का रिकॉर्ड देखें तो कितने सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस रिपोर्ट हुए एक साल के दौरान, तो उसकी रेशो पिछले साल की नस्बत ज़्यादा नज़र आती है। इसी तरह हम देखें कि कोर्ट्स की रेशो देखें कि ऐसे केसेस में कन्विक्शन रेट क्या है, तो उसमें हमें कोर्ट की कन्विक्शन रेट बहुत कम नज़र आती है। उसकी वजह क्या है कि जब केस ऐसे रिपोर्ट होते हैं तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, और इन्वेस्टिगेशन अगर वक्त पर मुकम्मल हो जाए 173 CRPC के तहत, तो फिर कोर्ट उस पर कन्विक्शन
दे सकती है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती टाइम पर तो फिर कन्विक्शन भी नहीं हो सकती। अब ऐसे वाले वाकयात में जो दरिंदगी की गई है एक शख्स ने, जो एक हवानमा शख्स है जिसने 12-13 साल छोटे उम्र के बच्चे को, जो इस उम्र में मेहनत मजदूरी करता है, यतीम बच्चा है, ऑर्फन चाइल्ड है और अंडर एज है, माइनर है, वो अपनी फैमिली के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है और मेहनत मजदूरी करके ना सिर्फ अपनी वालदा बल्कि छोटे भाई जो बीमार है उसका इलाज मुआवजा भी करा रहा है, उसके साथ ज्यादती की गई है। और उस शख्स की जो सोचने समझने की सलाहियत क्या होगी जो उस बच्चे को काम करने के लिए घर लेकर गया और उसको इस हालत में इस चीज़ का निशाना बनाया। भैन जी, तुसी की अपील करना चाहोगे अफसरां अगे, सारे जिहड़े ने साडे हुक्मरान भी वेख रहे ने कि अगे तुसी अगे देनी मुसीबत ही चोग मजीद तुहाडे बच्चे नूं इन्ना जुल्म कीता गया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे नाल जुल्म कीता गया। मैं सिर्फ यही कहांगी कि पता नहीं अगे उन्हें किन्नियां कु बच्चों ने इस तरह किया है कि अज मेरे बच्चे ने किया, मैं तो इसलिए कदम चुकिया कि मेरे बच्चे ने जिस तरह होया इस तरह किसी होर बच्चे ने ना हो। मैं तो यही अपील करती हूँ मजीद कि मैं गरीब हैगी हाँ तो मेरा कोई वसैल नहीं है तो मेरे बारे थोड़ा बहुत मेरे बच्चों के बारे सोचा जाए। बिल्कुल जी, इनकी इमदाद के हवाले से भी जो हम घर की हालत देख रहे हैं, जो मामलात हम देख रहे हैं, डेफिनेटली इनकी मदद भी होनी चाहिए और ऐसे गरीब मजलूम लोगों को इनको कुछ ज़रिया मुआश अच्छा मिल जाए और उसके बाद फिर और ऊपर से जो जुल्म करते हैं लोग ऐसे बच्चों पर, ऐसे ही गरीब लोगों पर, उन जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मेरी तमाम वालदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों की निगरानी करें, किसी पर एतबार ना करें। लेकिन मसला यह है कि अब ये गरीब माँ है, इसकी मजबूरी थी अपने इस बड़े बेटे को मजदूरी के लिए बाहर भेजना ताकि इसका घर चल सके, और उस मजबूरी को भी जो है मुसीबत में बदल दिया ऐसे जालिम ने जो जिसने इस बच्चे को वरगलाया और उसके साथ ज़्यादती की और इसकी ज़िंदगी जो है वो ज़ाहिर उसको एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा उसमें मुब्तला कर दिया। तो ऐसे जालिम को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए और आप लोग अपने बच्चों की निगरानी करें, ख्याल रखें उनका, किसी पर एतबार मत करें। यही दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को, बच्चियों को अल्लाह ताला महफूज रखे और हमें, हम सबको अल्लाह ताला हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।